सौगात दी है। अब ई बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1000 का कूपन दिया जाएगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर 3 दिन रुकने पर 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सैलानियों को त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी सौगात, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मिलेगा कूपन, प्रदेश के पर्यटक स्थलों में रुकने पर मिलेगा फायदा, ई बुकिंग कराने पर मिलेगा 1000 का कूपन। कोरोना काल में ठप पड़े टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है। अब ई बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1000 का कूपन दिया जाएगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों में 3 दिन रुकने पर 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। वहीं कॉर्पोरेट में सैलानियों के एडवांस बुकिंग के पैसे को भी कैबिनेट ने वापस करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि 1,85,55,000 रुपए वापस किए जाएंगे। राज्य सरकार ने खरसाली यमुनोत्री रोपवे को पीपीपी मोड पर चलाने का फैसला लिया है। वहीं केदारनाथ के हेलीपैड का विस्तारीकरण भी किया जाएगा। चीनुक हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए ये विस्तारीकरण होगा। बता दें कैबिनेट की बैठक में आए 30 प्रस्तावों में से 28 पर मोहर लगी है। फैसला लिया गया है कि ओपनर के जरिए अब सामान्य युवाओं को भी भर्ती की जाएगी। अभी तक केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की भर्ती होती थी। उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक एक्ट में संशोधन की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 वाट के सोलर प्लांट लगाने पर जमीन पेपर के साथ कई तरीके की रियायतें भी दी जाएंगी। विधायकों के वेतन को लेकर में विधेयक लाएगी। प्रदेश के सीमांत इलाकों में मोबाइल टावर लगाने पर सरकार 40 लाख रुपए एक मुश्त सब्सिडी देगी। प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों की सेवा को 2 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में शराब की 132 दुकानों की फिर से ई टेंडरिंग की जाएगी। विधानसभा में सरकार उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर आएगी। वहीं पंचायती राज विभाग में सरकार ने संशोधन किया है, इससे जनप्रतिनिधियों को भी काम करने का मौका मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।